एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन वेरिकोज वेंस के लिए, जो है एलन की वेरिकोज वेन ड्रॉप्स। बहुत ही यूजफुल होती है वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन से लक्षण मिलने पर आप इसको यूज कर सकते हैं, किस डोज में आपको लेना है, कितनी फ्रिक्वेंसी आपको रखनी है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इन तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं एलन की वेरिकोज वेंस ड्रॉप के बारे में। फ्रेंड्स, वेरिकोज वेंस क्या होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, साथ ही इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में मेरे एक सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं वेरिकोज वेंस के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बताने वाली हूँ जो एलन की वेरिकोज वेंस ड्रॉप होती है, इसको हम किन किन लक्षणों के मिलने पे यूज कर सकते हैं, कितनी डोजेज में ले सकते हैं, कितना रिपीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो एलन की वेरिकोज वेंस ड्रॉप होती हैं बहुत ही यूजफुल होती है उन कंडीशन में जहाँ पे आपको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से जब भी आप लंबे समय तक बैठते हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है, लंबे टाइम तक खड़े रहे, लंबे टाइम तक पैर को नीचे करके बैठे रहे, तो उसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ जाती है, हैवीनेस हो जाती है पैरों में, कई बार दर्द भी होने लग जाता है। तो उन सारी कंडीशन में ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा अगर आपको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम के साथ साथ मस्कुलर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, स्पेशली रात के टाइम जब आप सोते हैं तो आपको मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और आपको पेन भी होता है, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ अगर आपके जो वेंस हैं बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई हैं, उसकी वजह से आपके पैरों में बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन आ रहा है, कई बार ब्लूइश ब्लैक से डिस्कलरेशन आ रहे हैं, पैचेस बन गए हैं, तो उनमें भी ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। जो भी आपकी कैपिलरीज होती हैं, जो भी आपके वेंस होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती है, उसको स्ट्रेंथन करती है और आपकी जो फर्दर प्रोग्रेशन है वेरिकोज वेंस का उसको रोकती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, अगर वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग के साथ साथ इलाजमेंट जब होता है वेंस में से जब फूल जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इचिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो उस इचिंग की प्रॉब्लम को भी ये दवा दूर करती है। कई बार क्या होता है, नसों में सूजन आती है, सूजन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इलाजमेंट हो रखा है तो पेन, हैवीनेस के साथ साथ कई बार अल्सर भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो वेरिकोज अल्सर्स बनते हैं उसमें भी ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। ये दवा जो होती है, जब भी आपके पैरों में चाहे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हों वेरिकोज मीन्स, या छोटी छोटी नसों में सूजन आ रही हो, उन सारी कंडीशन में अच्छे से काम करती है, आपके दर्द को कम करती है, आपके पैरों में जो हैवीनेस है उसको कम करती है, सूजन को कम करती है, और साथ ही साथ फर्दर प्रोग्रेशन को रोकती है। बहुत ही यूजफुल मेडिसिन होती है। अगर इसके कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूडेड हैं, जो कि यूज की जाती हैं वेरिकोज वेंस के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें आपको आर्निका मिलेगी, हैमामेलिस, मिलीफोलियम, पल्सेटेला, कैल्केरिया कार्प, कैल्केरिया फ्लोर, फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, लैकसिस, बायपेरा, बेलिस्पर, जिंकम मेट, कार्बोबेज, तो ये सारी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन इसमें इंक्लूडेड है, जो ज़्यादातर हमारी नसों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, उन सब में यूज की जाती है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो इन सब के कंपोजिशन से ये दवा बनी है, जो वेरिकोज वेंस में, यानी कि आपकी जब नसें जो है पैरों की स्पेशली फूल जाती हैं, सूजन आ जाती है, उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। अगर इसकी प्राइजिंग की बात करें तो इसका जो 30 ml का पैक आता है वो आपको अराउंड 160 rupees मिलता है, किसी भी नियरेस्ट स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। डोजेस की बात की जाए तो इसको आप डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 बूंद आधे कप पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद यूज कर सकते हैं।
बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है फ्रेंड्स। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, तो ये दवा यूज कीजिएगा और इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को होम्योपैथी के अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।